Hello, my dear children. So here we are going to start our EVS 1, the life cycle of animals. Animals kaisa paida hokar bada hota hai. Direct bada to nahi hota hai na. To uske pure life cycle kaise alag alag animals ki. Yahan pe aapko kya dikhai de raha hai? Ek dog aur unke bahut sare puppies. Ek dog hai aur unke bahut sare puppies hai. और बाजू में ये साइड में क्या दिख रहा है आपको? एक कैटरपिलर है ना, एक वॉर्म, छोटा सा एक वॉर्म दिखाई दे रहा है और नीचे एक बटरफ्लाई. ओके, ये वॉर्म्स में से क्या बनता है? बटरफ्लाई बनता है. चलो देखते हैं हमको यहाँ पर क्या पढ़ने दिया है. अ हेन लेस एग्स, मतलब मुर्गी अंडा डालती है. चिक्स, चिक्स यानी मुर्गी के जो चूसे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, उसको चिक्स कहते हैं. चिक, चिक्स कम आउट ऑफ दोस एग्स, उन अंडों से क्या निकलता है? चिक. डू किटन्स कम आउट ऑफ एग्स, किटन यानी बिल्ली का बच्चा. क्या बिल्ली का बच्चा अंडे से आता है? बिल्ली अंडा डालती है? बिल्कुल नहीं. बिल्ली का बच्चा बिल्ली के पेट में से आता है, अंडे से नहीं आता. ग्रोथ ऑफ एनिमल्स, अ किड, किड यानी बकरी का बच्चा, एंड अ फुल्ली ग्रोन गोट, एक बड़ा बकरी, आर नॉट वेरी डिफरेंट टू लुक एट. ये दोनों एक दूसरे को, मतलब ये दोनों को देखेंगे तो टोटली अलग दिखते हैं? नहीं, ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं ना, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं. There is not much difference between a kitten and an adult cat. Adult cat means बड़ा, जो बिल्ली. Adult यानी बड़ा, जो बड़े लोग होते हैं उनको adults कहते हैं. Okay? आपका screen खराब होते जा रहा है, एक बार हम लोग try करते हैं उसको बराबर करने के लिए. ठीक है, तो ये आया, बड़ा बन गया. Now you can see it properly, is it? अभी आप अच्छे से देख सकते हो. तो एक किटन और एक अडल्ट कैट यानी एक बड़ा कैट, दोनों को देखेंगे तो फर्क दिखता है, बस साइज में छोटा होता है, बराबर ना. नाउ दीस बेबीज ग्रो इन देयर मदर्स टमी. टमी मीन्स पेट, बोलते ना मेरे टमी दुखता है. तो ये बेबीज सब अपने अपने मम्मी के टमी में रहता है, टमी में बड़ा होता है. एंड बॉर्न फ्रॉम मदर्स टमी, और मम्मी के पेट में से बॉर्न यानी पैदा होता है. दीस एनिमल्स डू नॉट ले एग्स. ये कौन सा, ए गोट, ए कैट, ए डॉग, ये सब अंडे नहीं डालते हैं. ओके, बट सम एनिमल्स लाइक क्रोस, स्पाइडर्स, लिजार्ड्स ले एग्स. लेकिन कुछ एनिमल होता है जैसे क्रो है, क्रो यानी कौवा, स्पाइडर, लिजार्ड, छिपकली, ये सब अंडे डालते हैं. ओके, अब क्या दिया है देखो. अ चिकन इज बॉर्न फ्रॉम एन एग. चिकन किससे बनता है? चिकन यानी मुर्गी का बच्चा. चिक भी बोलते हैं, चिकन भी बोलते हैं. वो किस में से खिलते हैं? अंडा में से जन्म लेते हैं. एंट्स, बटरफ्लाइज, फिश, फ्रॉग, स्नेक्स आर ऑल एनिमल्स दैट ले एग्स. ये सभी एनिमल अंडे डालते हैं. बट वी डू नॉट ऑफन सी देयर एग्स. लेकिन ये एंट का, बटरफ्लाई का, फिश का वगैरह अंडे कभी आपने देखे हैं? नो. द एग्स ऑफ सम वेरी स्मॉल एनिमल्स आर वेरी टाइनी. जो छोटे छोटे एनिमल होते हैं उनके अंडे तो बहुत ही छोटे होते हैं. टाइनी मीन्स बहुत छोटा. वी वुड हार्डली नोटिस देम. हार्डली नोटिस मतलब देखने को मिलता ही नहीं है हमें, बहुत ही मुश्किल से देख पाते. सो वी डू नॉट कम टू नो दैट दीज एनिमल्स ले एग्स. इसलिए उनके अंडे हमें दिखाई नहीं देते हैं, कहाँ पर लोग किधर डाले हैं, कैसा है, वो हमने कभी देखे नहीं. इसलिए हम यकीन ही नहीं कर पाते कि ये एनिमल्स भी अंडे डालते हैं. बट वी नो फॉर श्योर दैट अ हेन लेज एग्स. लेकिन एक बात हमें पक्का पता है कि हेन जो है, मुर्गी जो है, वो अंडे डालते हैं, बराबर ना. हर एग्स आर बिग इनफ टू बी ईजिली सीन. और मुर्गी के जो अंडे होते हैं बिग इनफ, इतने बड़े हैं कि हम आसानी से देख पाते हैं. अब यहाँ पर आपके लिए एक नया वर्ड है. क्या है? हैच. हैच का मतलब अंडा जो खिलते हैं ना,
अंडे का बाहर बाहर का कवर फूट के अंदर से जो बच्चा आता है उसको बोलते हैं हैच. व्हेन अ हेन सिट्स ऑन हर एग्स, जब एक हेन अपने अंडे के ऊपर बैठता है, किस लिए बैठती है? टू वार्म देम, और उसको वार्म करने यानी गर्म करने. शी सेड टू बी हैचिंग हर एग्स, तभी हम बोलेंगे मुर्गी क्या कर रही है, हैचिंग कर रही है अपने एग्स को, एग्स को गर्म करके गर्म दे के खिलने दे लगा रही है, उसको बोलते हैं हैचिंग द एग्स. अ हेन लेस एग्स, वार्म्थ इज नेसेसरी, नेसेसरी यानी ज़रूरी, फॉर द चिक्स टू ग्रो इनसाइड द एग, अंडे के अंदर चिक को बड़ा होने के लिए, चिक बनने के लिए, मुर्गी के चूसे बन के बड़ा होकर निकलने के लिए उसको क्या चाहिए? वार्म्थ, वार्म्थ यानी हीट, गर्म चाहिए. सो आफ्टर लेइंग देम द हेन सिट्स ऑन द एग टू कीप देम वार्म, और अंडे डालने के बाद हेन क्या करती है? सिट्स ऑन द एग, एग के ऊपर बैठ जाती है, टू कीप देम वार्म, और उसको गर्म करने. द चिक्स इनसाइड स्लोली कीप ग्रोइंग, और उसके अंदर के जो चिक्स होते हैं स्लोली, एकदम स्लोली स्लोली कीप ग्रोइंग, बढ़ते रहता है. व्हेन इट्स ग्रोथ इज कंप्लीट, जब पूरे के पूरे ग्रोथ हो जाते हैं, तो द चिक ब्रेक्स द एग शेल. एग शेल क्या होता है? एग का बाहर का जो कवरिंग होता है ना व्हाइट कलर का, ये देखो इधर दिखा रहा है बराबर, ये एग शेल को तोड़ तोड़ के बाहर कौन निकल जाते हैं? देखो चिक निकल गया है ना, एंड कम्स आउट. एग का शेल तोड़ के चिक बाहर आते हैं और क्यों 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 करते रहते हैं बराबर. द हेन लुक्स आफ्टर इट्स चिक्स टिल दे ग्रो अ लिटिल बिगर, और ये हेन जो मुर्गी होती है ना, जो माँ है चिक्स के, बहुत ही केयरफुल होती है. हमारे मम्मी कैसे हमारा ध्यान रखती है, बहुत ही केयर करती है, वैसे ये जो हेन है वो भी अपने चिक्स का बहुत केयर करती है. लुक्स आफ्टर इट्स चिक्स, कब तक केयर करती है? टिल दे ग्रो अ लिटिल बिगर, थोड़ा बड़े होने तक, ये चिक्स को थोड़ा बड़े होकर खुद खाना वगैरह ढूंढ के खाने का, उतना बड़ा होने तक चिक्स का पूरा ख्याल कौन करती है? ये एग हेन. और ये हेन के सामने अगर कोई कौआ नहीं तो कुछ दिखे ना, अगर हेन अपने चिक्स को नुकसान पहुंचाने वाला, हेन तभी इतने गुस्से में आ जाती कि उनको चोंच मार के भगा देती है, चिल्ला के चीख के भगा देती है. When the hen is hatching her eggs, जब अंडे के ऊपर कुड़ूक बैठना बोलते हैं हम बराबर, अंडे के ऊपर बैठ के उसको वार्म करके उसको हैचिंग करते हैं, उस टाइम शी बिकम्स एग्रेसिव, बहुत ही एग्रेसिव यानी बहुत ही गुस्से वाली होती है, कभी भी अटैक कर लेती है. फॉर फियर, क्योंकि उसको डर रहता है, फियर रहता है ऑफ देयर सेफ्टी, अपने जो अंडे हैं, अंडे के अंदर पलने वाले जो बच्चे हैं उसके बारे में बहुत डर लगा रहता है कि कौन कभी आकर अटैक करेंगे, वो अंडे को खा लेंगे, उसको डर रहता है. शी अटैक्स एनी वन हु ट्राइज टू गो नियर द एग, वो अंडे के पास कोई भी जाए, अंडे को छूने का कोशिश करे तो सीधा अटैक कर लेती है, पूरे चोंच मार लेती है, पूरे एकदम जोर का अटैक कर लेती है. अब इधर क्या दिया है देखो, वर्ड एक नया वर्ड मेटामॉर्फोसिस, क्या है? मेटामॉर्फोसिस. देयर आर सिमिलैरिटीज बिटवीन अ गोट एंड इट्स किड, गोट और किड, किड यानी गोट के बच्चे, बकरी के बच्चे, दोनों में बहुत सारे सिमिलैरिटी, एक जैसे दिखते हैं ना दोनों. एंड बिटवीन अ हेन एंड हर चिक, एक मुर्गी और उसके बच्चे में भी एक जैसे तो दिखते हैं, बस छोटा बड़े का ही फर्क है. हाउएवर अ कैटरपिलर एंड अ बटरफ्लाई आर वेरी डिफरेंट, बटरफ्लाई का जो अंडे खिल के बटरफ्लाई नहीं निकलता, पता है आपको, उसके अंदर से छोटा सा एक कीड़ा निकलते हैं, एक वर्म निकलते हैं, बहुत ही गंदा दिखते हैं, किसी को नहीं पसंद आता, लेकिन वो वर्म फिर बड़ा होकर बटरफ्लाई बन जाते, तो वो कितने सुंदर दिखती है ना बटरफ्लाई, सबको पसंद आता है ना, आपको भी पसंद है ना, तो लेकिन बटरफ्लाई और बटरफ्लाई के बच्चे एक जैसे क्यों नहीं दिखते, दोनों अलग अलग ही है. तो इसमें इसके बटरफ्लाई के अंडे से ये बच्चा, ये जो कैटरपिलर है कीड़ा बनने के बाद इसका क्या क्या होता है, चलो हम लोग देखते हैं. दस इन सम एनिमल्स द यंग वन ग्रोस इन टू एन एडल्ट एनिमल दैट लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम यंग वन, तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि उनके जो जब बच्चा, यंग वन यानी बच्चा, एडल्ट यानी बड़ा एनिमल,
तो दोनों में बहुत फर्क होता है. बड़ा होने पे वो यंग वन किसके जैसा दिखेंगे, एडल्ट के जैसे. दिस चेंज ऑफ फॉर्म इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. यानी जो अभी फ्रॉग है, फ्रॉग का अंडा खिलेंगे जो बच्चा बनेंगे ना, फ्रॉग नहीं रहता, फ्रॉग ऐसा नहीं दिखते, वो मच्छी के जैसा थोड़ा शेप में दिखते हैं, फिर वो बड़ा होकर फ्रॉग बन जाते हैं. तो ऐसा कोई भी एनिमल का जो बच्चा होता है वो अगर उसकी मम्मी के जैसा एकदम नहीं दिखते हैं तो उसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस इन अ बटरफ्लाई, एक बटरफ्लाई के बॉडी के मेटामॉर्फोसिस देखते हैं. बटरफ्लाइज ऑफ वेरियस शेप्स एंड ब्यूटिफुल कलर्स आर अ पार्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट. हमारे एनवायरनमेंट यानी हमारे वातावरण में, हमारे आसपास में किधर भी देखो सुंदर सुंदर बटरफ्लाई हमें दिखाई देंगे. दे लिव देयर लाइफ अमंग प्लांट्स. ज़्यादातर जहाँ पे बहुत झाड़ वगैरह होते हैं, आप गांव में वगैरह जाओगे तो आपके गांव में बहुत सारे बटरफ्लाइज दिखेंगे क्योंकि वहाँ पे झाड़ बहुत है, है ना. एज बटरफ्लाइज ग्रो, जैसे जैसे बटरफ्लाई बड़े हो जाएंगे, दे पास थ्रू फोर स्टेजेस. उसके लाइफ में चार चार स्टेज होता है. क्या क्या होते हैं देखो, दीस आर एग. पहले बटरफ्लाई जन्म लेने से पहले एग होता है, एग में से निकलेंगे लार्वा यानी जो कीड़ा, कीड़ा के बाद वो बड़ा होकर प्यूपा, प्यूपा में से बनेंगे अडल्ट यानी बड़ा बटरफ्लाई. द अडल्ट स्टेज इज कॉल्ड बटरफ्लाई. जो बड़ा होकर जो अडल्ट स्टेज है उसको कहते हैं बटरफ्लाई. ओके, द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई इज अ वेरी कॉमन बटरफ्लाई, कॉमन वन. जो यहाँ पर दिख रहा है ना जो पिक्चर, ये प्लेन टाइगर बटरफ्लाई, टाइगर के जैसे मार्किंग है ना उसके बॉडी में, तो इसको प्लेन टाइगर बटरफ्लाई बोलते हैं. ये ज़्यादातर हमें हर जगह में दिखाई देते हैं. नाउ लेट अस टेक इट एग्जांपल टू सी द ग्रोथ ऑफ बटरफ्लाई टेक प्लेस. तो अभी हम देखते हैं कि ये बटरफ्लाई का ग्रोथ कैसा होता है. चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं और उसके बाद हम स्टॉप करते हैं, ठीक है. द कैटरपिलर ऑन द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई ग्रोस रैपिडली. अरे ये तो अभी बताया मैंने, बराबर मल्टू भी बताया. तो ये वीडियो में हम लोग इधर तक ही देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी देखेंगे. पर आपको पूरा लेसन रीड करना है अच्छे से, ओके. और जितना अभी तक मैंने यहाँ तक सिखाया, यहाँ तक की जो हार्ड वर्ड्स हैं वो लिख के मुझे सेंड करना. ओके, बाय बाय.